वेल सेंस नेस्ट मैं रूबी सेन, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक हैक जो कि मैंने अपने साड़ी के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। आई होप आप लोगों को वो बहुत ही अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और अगर नहीं लगे अच्छा तो भी कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। आप लोग का कमेंट्स मुझे बहुत ही इंस्पायर और एनकरेज करता है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी100, और मेरा फेसबुक पेज है सेंस नेस्ट। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं मैंने किस तरह से अपने साड़ी में ये हैक किया है, और देखते हैं। मैंने एक्रिलिक कलर का यूज़ किया है। आप फैब्रिक कलर से भी कर सकते हो अगर आपके साड़ी में ये सेम प्रॉब्लम है तो। तो चलिए देखते हैं। उसके पहले फ्रेंड्स, ये जो आप बेड कवर या बेडशीट देख रहे हैं, ये मैंने हैदराबाद से परचेज किया था आइकिया से, और शॉपिंग हॉल में मैंने इसे आपसे शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो चेक कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगी और आई बटन पे भी। और चलिए देख लेते हैं। ये बेड कवर बहुत अच्छे से फिट हुआ है, डुवे कवर भी बहुत अच्छे से फिट हुआ है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसे बिछाने के बाद मैं आपसे शेयर करूंगी, सो मैंने इसे शेयर किया। चलिए इसे भी दिखा लेती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। जुवे कवर के साथ भी पिलो कवर दिया गया है, और काफ़ी लार्ज साइज के पिलो कवर्स हैं जिसे मुझे ऑल्टर करना पड़ेगा। मैंने अभी तक किया नहीं है, बट काफ़ी अच्छे से बेडशीट फिट हुआ है मैट्रेस के साथ, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की क्लॉथ है। ये वाली साड़ी आपने देखा होगा, मैंने दिवाली के दिन पहना था इसे, और इसमें जो शुरू के थोड़े पोर्शन हैं जिसमें कोई वीव किया नहीं हुआ है, थ्रेड वीव जो कि बाकी में किया हुआ है, और एकदम बिल्कुल प्लेन है जो कि पीछे से काफ़ी ख़राब दिखता है। तो मैंने सोचा इसमें कुछ किया जाए, इनोवेटिव समथिंग, कि वीव की तरह ना, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ अगर उसमें कर लिया जाए तो ये बेटर लगेगा देखने में प्लेन से। आपके पास अगर ऐसी कोई साड़ी हो जिसमें इस तरह से शुरू में प्लेन हो और पीछे से वो ऐसा दिखता हो खाली खाली सा, तो आप ये वाला हैक अप्लाई कर सकते हो। और मैंने, मेरे पास ये एक्रिलिक कलर रखा हुआ था, येलो वाइट एंड ऑरेंज मिला के मैं ये वाला क्रीम कलर बना रही हूँ, और इसके साथ मैं ब्लॉक प्रिंटिंग करूँगी जो कि ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत वीव की तरह दिखे, पर वीव की तरह तो नहीं, पर बिल्कुल ब्लैंक से कुछ भी अगर प्रिंट दिखे तो वो इट विल लुक बेटर, आई थिंक सो। इसी तरह मैं लाइन से लाइन मैच करते हुए इसमें पेंटिंग कर रही हूँ, एंड आई थिंक इट विल लुक गुड। और बताइएगा आप लोग कमेंट्स करके कि किस कैसा लग रहा है। एकदम ब्लैंक से आई थिंक थोड़ा सा अच्छा तो दिखेगा, कम से कम पीछे बिल्कुल ब्लैंक दिखता था उससे तो थोड़ा भरा भरा सा दिखेगा। मेरे पास कुछ ब्लॉक्स रखे हुए थे, उससे भी मैंने इसमें चिड़िया, हाथी और आम ये सब बनाया, और ताकि थोड़ा बहुत मैच करे वीव के साथ।
तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके कि कैसा लग रहा है। ये वुडन ब्लॉक्स मैंने अमेज़ॉन से परचेज किया है, आप लोग को अगर लेना होगा आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। पर ये एक इसमें ड्रॉबैक ये है कि ये ब्लॉक्स को आप सिर्फ कपड़े पे ही यूज़ कर सकते हो, किसी मटेरियल पे, दूसरे मटेरियल पे ये आप यूज़ नहीं कर सकते, प्रिंट नहीं पड़ता है। बट कपड़े पे ये बहुत अच्छा प्रिंट पड़ता है, आप देख सकते हो मैंने किया है। मैंने कप में या दूसरे प्लास्टिक के कंटेनर में ऐसे प्रिंट डाल के देखा था, लेकिन उसमें कोई प्रिंट पड़ता ही नहीं है। बट कपड़े पे बहुत अच्छा प्रिंट पड़ता है। ये देखिए ये ब्लॉक प्रिंट बहुत ही इजी है इसे करने में, जस्ट कलर घोलो और कलर पे ब्लॉक्स को डालो और पेंट कर लो, बहुत ईजी और बहुत जल्दी भी हो जाता है और आपका साड़ी बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। साड़ी पूरा बनाने के बाद मैंने इसे रफली पहन के वीडियो भी किया है, आप लोग देख के बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत प्रिंट नज़र आ रहा है, जो कि पहले बिल्कुल प्लेन था, लेकिन अब फिर भी थोड़ा बहुत प्रिंट नज़र आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे कनेक्टेड।